नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 28 को बीजेपी मंत्रिमंडल की होगी बैठक। विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। धामी सरकार ने पद्मश्री प्रसून जोशी को बनाया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। पद्मश्री प्रसून जोशी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड में संविधान दिवस मनाया गया। जिलाधिकारियों ने जिलाधिकारी और कर्मचारियों को दिलाई शपथ। कहा, निहित भावनाओं का करे सम्मान। काशीपुर पुलिस ने नाबालिग को राजस्थान के अलवर से किया सकुशल बरामद। 3 लाख रुपए के बेचकर दिव्यांग ने कराई जा रही थी शादी। 26 अक्टूबर से लापता थी लड़की। और बद्रीनाथ मंदिर समिति ने शीतकालीन सत्र को लेकर प्लान बनाना किया शुरू। पहले चरण में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण होने जा रहा शुरू। समिति ने तैयारियां की तेज। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आहूत किया है। उनतीस नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर 28 नवंबर को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। बैठक में सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। उनका कहना है, विपक्ष जिस तरह से सरकार घेरने का दावा कर रहा है, ऐसे में सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, मगर विपक्ष सिर्फ हो हल्ला तक सिमट कर ना रह जाए। वो करूंगा भी है। सड़क पर सरकार को घेरेगी, सदन में भी घेरेगी। तो आप लोगों की विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, क्या तैयारी है? देखिए, 29 तारीख से सत्र है और सत्र बेहतर ढंग से चले और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड की जो चीजें हैं, उन्हें विपक्ष जहां भी उठाए वो उनकी सोच है। लेकिन मेरा विपक्ष से कहना है कि एक अच्छे विपक्ष की तरह उत्तराखंड के लिए अच्छे कानून बने, उत्तराखंड के लिए अच्छे विधेयक पारित हों। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यही कारण है कि उत्तराखंड के जनहित से संबंधित और उत्तराखंड लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यही कारण है कि अब ग्रामीण विकास के लिए 18,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आवास के लिए एक विशेष बजट का के लिए कहा और वो स्वीकृत भी हो गया। 18,602 के करीब इसमें हमको वो जो बजट अलग अतिरिक्त बजट मिला है, क्योंकि देखिए अभी तक 15,000 के करीब जो हमारे आवास हैं वो हो गए। 305 लोगों के जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भी मिल चुका है। केंद्र सरकार लगातार महिलाओं को साथ लेकर चलने और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया। प्रदेश की धामी सरकार भी लगातार बेटियों के मान सम्मान और गौरव की बात करती है और इसको बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल से भारत में महिलाओं की स्थिति पर की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाएं अन्य देशों के
मुताबिक अधिक सशक्त और कुशल है। विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं, तो आप किस तर्ज पर देखते हैं, क्या भारत में महिलाओं का विकास हो रहा है, किस ढंग से उसको आप देखते हैं? देखिए, भारत में महिलाओं का विकास तो बहुत शताब्दी पहले से तो शास्त्रार्थ में उनको इनवाइट किया जाता था, जिसमें कई लोगों की आज भी सोच कंफर्टेबल नहीं है कि महिला को आप शास्त्रार्थ के लिए इन्वाइट करोगे वो क्या बोलेंगे, ये किसवीं शताब्दी की बात है। और गार्गी, मैत्रेय, पाला, लोक मुद्रा, विशाल सब ने शास्त्रार्थ में भाग लिया, वैदिक मंत्रों का क्रिएशन किया, जिसको बहुत बड़ी अल्ट्रा एक सेंसिटिविटी चाहिए और विजडम चाहिए, और वो विजडम में थी तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो पहले से बहुत सशक्त भारतीय महिला का था, जिसपे हम लोग ये मिलकर एक और बहस करने वाले हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि फिल्मों में जो आजकल महिलाओं को जिस रूप से दिखाया जा रहा है, या विज्ञापन में जिस रूप से महिलाओं को दिखाया जा रहा है, या बैनर पोस्टर में आप देखेंगे कि प्रचार करते हुए महिलाओं को जिस रूप में दिखाया जा रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि महिला खुद अपनी स्थिति को अपने से गिरा रही है, खुद वो अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करने लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जो विज्ञापन और फिल्मों का इशू है, अगर आप फिल्म डायरेक्टर से बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये इशू डिमांड और सप्लाई का इशू ज़्यादा बन जाता है। वो कहते हैं जब जब हमें महिला को शारीरिक तौर पे एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा है तो वो फिल्म नहीं चल रही है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने शुरू में कहा कि वो फिर से समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से वैसे कुछ पाठ्यक्रम को चलाया जाए या कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए, क्या इसको आपको क्या महसूस कर? बिल्कुल, हम लोग पढ़ते थे, एक बहुत अच्छी किताब होती थी, मुझे नहीं मालूम अभी भी वो लगी, हमारे पूर्वज करके, और उस हमारे पूर्वज में गार्गी के बारे में हमने वहीं पढ़ा, दधीची के बारे में हमने उसमें पढ़ा, विश्वामित्र के बारे में हमने उसमें पढ़ा, तो जितने ऋषि वे और वो लोग जिन्होंने अपने के लिए नहीं समाज के लिए जो जिंदा रहे, वो सब पाठ्यक्रम में था। तो वो जो भारतीय नॉलेज सिस्टम, अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है, कंपलसरी पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, पढ़ाया जा रहा है, शुरू हो चुका है, और इसको वैल्यू एडेड कोर्सेज में हमने रखा है। आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं भारतीय में समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर के? बहुत बहुत संतुष्ट, क्योंकि ये कोई एक अल्टीमेट नहीं है कि किसी चीज का एंड हो जाना है कि यहाँ पे आके हम जेंडर इक्वालिटी में आ चुके हैं। भारतीय महिला की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है, और आज़ादी के बाद, आज़ादी में भी, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका, और स्वतः ये सब विषय इस सेमिनार में डिस्कस होने वाले हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उनकी भूमिका, वैज्ञानिक से लेकर और समाज सुधारक से लेकर सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, तो वो आगे आ रही हैं, समाज उनकी भूमिका को समझ रहा है, और पुराने टाइम से उन्होंने बहुत काम किया, एक समृद्ध परंपरा है, तो संतुष्टि है, और फ्यूचर के लिए मैं बहुत ही सकारात्मक हूँ कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी, देहरादून। धामी सरकार ने पद्मश्री प्रसून जोशी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। राज्य की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तराखंड संस्कृति विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेखक और गीतकार है पद्मश्री प्रसून जोशी। सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व हरिश्चंद्र सेमवाल की ओर से इस संबंध में जारी किए गए हैं आदेश। राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पहुंची और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर जनसमस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की हर छोटी बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करवाया जाएगा और भविष्य में शिविरों का आयोजन इसी तरह से जारी रखा जाएगा। बहुउद्देशीय शिविर का शुक्रवार में हम लोगों ने एक शिविर रखा है, और अभी रात में समाज कल्याण और स्वास्थ्य से लोगों की जो समस्याएं रहती हैं, एक प्रयास ये रहा है कोटद्वार में कि पेंशन की समस्या हो, चाहे वो मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट विकलांगता का बनाना हो, इन चीज़ों को देखते हुए आदि शिविर रखा गया। प्रयास रहेगा कि हर 3-4 महीने पे इस तरह के शिविर कोटद्वार में लगते रहे, ताकि लोगों के जीवन में थोड़ी सी सरलता ला पाए।
जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में संविधान दिवस के उपलक्ष में वहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें संविधान में निहित भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कहा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आमजन नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी के लिए समान नागरिकता और स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। हम सुबह ड्यूटी के लिए आ रहे थे तो आज चेकिंग लगी थी, थोड़ी लेट हो गए थे तो हम जैसे ड्यूटी के लिए यहाँ पे आए तो आज ही रजिस्टर में दस्तखत कर रहे थे। तभी हमसे पटेरिया जी ने कहा कि नीचे से चाय लेके आओ, तो हमने कहा कि हमारी ड्यूटी आज जो है राजनगर के खजुआ ग्राम में लगी है, वहाँ पे CM हेल्पलाइन में कोई शिकायत दी थी तो हमें वहाँ अर्जेंट जाना है और हम जा रहे हैं। वो बोल रहे थे तो हमारी बात नहीं मान रहे, तो हमने कहा भाई साहब लेट हो रहा है, हम नहीं जा सकते। तो उसने जो है हमसे कहा कि जो है तुम हमारे यहाँ तो मरना ही चाहते हो क्या, और ये हो तो ऐसे ही हमारी उनसे क्या सुनी होगी। तो उन्होंने खुद हाजी रजिस्टर को फाड़ दिया और वो हमें मारने लगे, पीछे से पकड़ लिया और मारने लगे। उनका भाई आया, उसने हमारा मोबाइल छीन लिया। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, यही कारण है कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे भारतीय संविधान के सम्मान में और उसके मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में जिला एवं महानगर मुख्यालयों में गोष्ठी, सेमिनार आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी मौके पर एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने दो टुक भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या करने को लेकर निशाना साधा। करण महारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 9 चुनी हुई सरकार गिराई जा चुकी है और विधानसभा के अनेकों हिस्सों को तोड़ा कर जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति का हनन किया जा रहा है और संविधान में दिए गए बातों का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। संविधान दिवस के साथ साथ हम संविधान बचाओ गोष्ठी हमने इसको रखा है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास इस देश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 9 सरकारें, चुनी हुई सरकारें गिराई जा चुकी हैं और संविधान के अनेकों हिस्सों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जैसे आपने देखा हो अभिव्यक्ति का अधिकार हमको संविधान में दिया गया है और जिस तरीके से गुजरात के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उत्तराखंड में ही कुछ कवियों को, कुछ लेखकों को पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तार किया गया, तो ये अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है। इसी तरीके से अनेकों किस्म से संविधान में दी गई हुई बातों का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो हम किस खतरे से जूझ रहे, जिस खतरे से देश और देश का संविधान जूझ रहा है उसको लेकर आज बुद्धिजीवी लोगों का ये आज हमारी गोष्ठी है और उसमें सब अपने अपने विचार रखते हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उद्योग उपभोक्ता मामले में खेल मंत्री रेखा आर्य टिहरी जिला सभागार पहुंची, जहां उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारियों को शपथ दिलाई। मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी ली। सभी विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनपद टिहरी में किए गए विकास कार्यों के बारे में कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया। इसी दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यों में बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए, बल्कि इन्हें प्राथमिकता से किया जाए। सभी विभागों को जो कि मैं देखती हूँ और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा जो जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। वन प्रभाग रामनगर जल्द रानीकोट वन पंचायत में 5 हेक्टेयर भूमि में लगाएगा मेडिसिन प्लांट। शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग अब अपने देचूरी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले रानीकोटा क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में जल्द लगाएगा औषधीय पौधे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। DFO कुंदन कुमार ने बताया कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत देचूरी रेंज में हमारी रानीकोटा वन पंचायत है, वहां हमने 5 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है। उन्होंने बताया कि इसमें भारत सरकार की एक आयुष मंत्रालय के तहत योजना है, जिसमें औषधीय पौधों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। ये रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जो हमारी देचौरी रेंज में रानीकोटा वन पंचायत है, वहाँ हमने 5 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है। इसमें एक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एक योजना है, जिसमें जो औषधीय पौधे हैं उनके कल्टीवेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो उसी क्रम में इसका एक प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर को भेजा गया है, जिसमें उस वन पंचायत में जो औषधीय पौधे हैं उनका इन सीटू कंजर्वेशन किया जाएगा, वहाँ एक नर्सरी डेवलप की जाएगी और भी कई सारे एक्टिविटीज हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उनसे एक उनके आजीविका का संवर्धन होगा। ये जो स्कीम है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वन पंचायत के द्वारा ही किया जाएगा और उसमें वन पंचायत के लोग ही उस नर्सरी को और उस जो औषधीय पौधों की जो हर्बल गार्डन है उसको डेवलप करेंगे। कलजीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत नलई में जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसमें गांव के ठेकेदारों के द्वारा 140 कनेक्शन दिखाए गए, जबकि धरातल पर केवल 70 कनेक्शन ही लगाए गए हैं। समाज सेवी कोमल नेगी ने बताया कि विभागीय कर्मचारियों, ठेकेदारों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से इस भ्रष्टाचार को किया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की थी, जिसके बाद मौके पर विभागीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया। वहीं DM पौड़ी आशीष चौहान ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियंता द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि जो विभाग ने 140 कनेक्शन दिखाए हैं वो धरातल पे 60 और 65 पे सिमट के रह गए हैं। और रही काम की गुणवत्ता की बात, तो आप देख सकते हो कि कहीं पे तो यूनियन भी गुम है, कहीं पे 2 मीटर का टुकड़ा और कहीं पे 5 मीटर का टुकड़ा है, जबकि विभाग के द्वारा 10 मीटर और 30 मीटर का रेंज दिया गया है कि इस रेंज में हमने घरों में कनेक्शन दिए हैं। और इसकी लगभग पूरी स्पष्टीकरण भी हो चुका है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। इस संबंध में एक शिकायती पत्र मुझे मिला था और उस शिकायती पत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस पर्टिकुलर विलेज में जो स्कीम है उसकी अनियमितताओं को इंगित किया गया था। तो उस क्रम में
एसी जल निगम के स्तर से हम लोगों ने जांच के मेरी तरफ से निर्देश गए थे और उस जांच में अभी मतलब जांच अभी चल रही है, लेकिन जो एसी साहब का कहना है कि स्पॉट इंस्पेक्शन हो चुका है और जल्दी इसमें रिपोर्ट सबमिट होती है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। दोषी के साथ पूरा उसका वो होना चाहिए, मतलब पैसा वापस उनको, उनके ऊपर जितना भी पैसा उन्होंने घपला कर रखा है, रिकवरी प्लस सख्त से सख्त सजा, ताकि आने वाले समय में आगे भविष्य में कोई आदमी इस किस्म का दुरुपयोग न करे। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने प्रदेश सरकार द्वारा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित चिंतन शिविर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। सरकार को प्रदेश की चिंता करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन करना पड़ रहा है। इससे साफ है कि सरकार विकास को लेकर धरातल पर काम नहीं कर पा रही है। सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को चिंतन शिविर आयोजित कर सभी को एकजुट कर योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ और प्रदेश के विकास के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमाफिया, शराब माफिया, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, परंतु सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसमें चिंता शिविर के उसमें डबल इंजन की सरकार होते हुए उत्तराखंड सरकार को चिंता शिविर करने की क्या जरूरत पड़गी? जो लाखों रुपए जनता का फिजूली खर्च हुआ जा रहा है और आलिशान कमरों में बैठकर ये चिंता शिविर कर रहे हैं, तो पहाड़ों में जो पायन हो रहा है तो पहाड़ों का पता कैसे चलेगा इन्हें? इन्हें वहीं पर हकीकत जमीनी स्तर में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड बदहाल है, तो पहाड़ों में जो युवा पलायन कर रहे हैं तो भूमाफिया को इन्होंने पनपाने का वो कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर में अगर ये क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो जमीनी स्तर में जाए और जमीनी स्तर में जाकर वहां की समस्या का समाधान निकाले और आलिशान कमरों में बैठकर दिशा निर्देश न देते हुए जमीनी स्तर में काम करेंगे। ऑफिस बार मैंने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दे चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार मैंने ज्ञापन दिया, पर इन्होंने नजरअंदाज किया। तो जहां तक देखा जाए 100 खोले का जो पेट्रोल पंप है, तो पहाड़ का उन्होंने खुद स्वामी ने ट्रीटमेंट कर दिया और सरकार एक छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही ऑल वेदर रोड के नाम में। जब ये छोटा एक ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है तो ऑल वेदर रोड के नाम में कहाँ ट्रीटमेंट होगा इनका? काट गोदाम हैंडा खान मार्ग के पिछले 15 दिनों से बंद होने के चलते अब ग्रामीणों को फौरन राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। ये मार्ग जामरानी के पास गोला नदी में ह्यूम पाइप डालकर रौसिल गांव तक जोड़ने जाने की कवायद चल रही है। जामरानी से रौसिल तक की दूरी करीब 4 किलोमीटर की होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मार्ग अगले 2-3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे फिलहाल छोटी गाड़ियां आवाजाही कर सकेगी। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जामरानी से गोला नदी से बनाए जा रहे मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए प्रयास जारी है, जिसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि यदि जामरानी गोला नदी से रौसिल तक अस्थायी रास्ता बन जाता है तो ग्रामीणों को फिलहाल राहत मिल सकती है। आजकल शादी का सीजन है, विवाह है और साग सब्जियां हैं, मंडी जा नहीं पा रही है और जो है गाड़ी का किराया भी दुगना हो गया है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन के द्वारा जो है यहां पर जेसीपी लगाई गई है, कहा जा रहा है कि 6-7 दिन में खुल जाएगी, अब देखना है कि कब तक खुलती है। जमरानी का पल्लगानी तोक जो है गाँव का, उस पर नदी में बड़े पाइप डाल के, ह्यूम पाइप डाल के ऊपर से हमारी छोटी गाड़ियां निकल जाएं नदी में, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से काम चल रहा है कल तक ये मार्ग खोल दिया जाएगा, ताकि कुछ सामान, दवाई, आवश्यक चीज़ें, दैनिक उपयोग की चीज़ें। राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल और जल योजना को लेकर सरकार साकार करते हुए अब छोटे इलाकों में भी बोरवेल के साथ ही पानी की टंकी के निर्माण का काम राज्य सरकार ने तेज कर दिया है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद दुर्गा मल पार्क में नए और हेड टैंक का उद्घाटन करते हुए नींबूवाला में एक नए टन का ऐलान भी कर दिया है।
करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ी आबादी को पीने का पानी पूरे परिसर के साथ समय से मिल सकेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आमजन को पेयजल समस्या से प्राप्त हो ये राज्य सरकार का प्रयास है। 4 करोड़ 13 लाख की लागत से ओवरहेड टैंक व पेयजल लाइन का लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर घर नल हर घर जल जो उनका नारा है उसको हम साकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी और इस ओवरहेड टैंक के बनने से राजनी लेन के बिछने से यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हमारी सरकार पुष्प सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनता। किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर डोईवाला के दर्जनों किसान राजभवन कूच के लिए रवाना हुए। राजभवन कूच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस दौरान किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार ने जब 3 कृषि कानून वापस लेने पर कहा था सभी किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मगर अभी तक मुकदमे वापस नहीं हुए हैं और ना ही किसानों की पकड़ी हुई गाड़ियां वापस की गई है, जिन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक MSP पर कानून भी नहीं बनाया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज किसानों द्वारा राजभवन कूच किया जा रहा है। हमारा राजभवन कूच का कार्यक्रम है जो संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र की ओर से किया गया है और हमारा यहाँ पर महासेव सम्मेलन भी हो रहा है। उसका जो हमारा जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून वापस लिए थे उसमें कुछ शर्तें और थी किसानों की।